हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। द क्राफ्ट गैलरी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पेपर मैश रेंडियर स्कल्पचर, यानी कि हिरन, इसे बारह सिंघा भी कहते हैं। इसे हम पूरी तरीके से रिसाइकल वेस्ट मटेरियल से बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये रेंडियर के दो स्केच आउटलाइन जिसे मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर बनाए हुए हैं। ये स्केच आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसे कैंची की मदद से काट कर निकाल लेते हैं। ये रेंडियर का जो स्केच है ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। ऐसा क्यों है ये अभी आपको पता चल जाएगा। ये जो कान और जो सिंह का हिस्सा है इसे भी हम काट करके अभी निकाल लेंगे, और साथ ही इसके पैरों को भी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। ऐसे ही दूसरे रेंडियर को भी हम कट करके निकाल लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ लेग्स ही हैं जिसे हम एज ए रेफरेंस बाद में यूज़ करेंगे। हमें चाहिए कुछ न्यूज़पेपर स्ट्रिप्स और साथ ही मास्किंग टेप। हम एक न्यूज़पेपर की पट्टी लेंगे और इसे इस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर एक बेलनाकार शेप देंगे या कैसा भी। और अब इसे मास्किंग टेप की मदद से, यहाँ पे हमें पूछ की ज़रूरत नहीं है, तो इसे भी हम काट के हटा देते हैं फिलहाल, बाद में हम लगा देंगे। तो और इसे हम चिपका देते हैं। और इसी तरह और भी न्यूज़पेपर्स लेने हैं और हाथ में इस तरह से मैश करके मास्किंग टेप की मदद से चिपका देना है। तो बस वहाँ से न्यूज़पेपर उठाइए। तो यहाँ पे हम न्यूज़पेपर लेते जाएंगे हाथों से इस तरह से मोड़ मोड़ कर, और इसको मास्किंग टेप की मदद से चिपकाते जाएंगे। यहाँ पे चीज़ ध्यान देने वाली है, हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी रेंडियर नहीं बनाना है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा थिक करके हम न्यूज़पेपर को नहीं लगाएंगे, यानी मोटा करके नहीं लगाएंगे। और अब ऐसे ही दूसरी साइड भी हम न्यूज़पेपर्स को मास्किंग टेप की मदद से चिपकाते जाएंगे। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप स्लो करके देख सकते हैं। यूट्यूब में ऑलरेडी ये फीचर है, तो आप सेटिंग्स में जा करके स्पीड को कम करके देख सकते हैं अपने हिसाब से, और बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो गर्दन का काम कर लिया हमने पूरा, और अब बारी है रेंडियर के सर का काम करने की। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, तो ये हमारा यहाँ पे एक बेसिक सा शेप हो चुका है तैयार। और अब बारी है इसका पैर बनाने का। तो यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड लिया और इसके ऊपर जो हमने पहले से इसके पैर बनाए हुए हैं, हम एक सिंपल सा यहाँ पे आउटलाइन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आउटलाइन ले लिया है और अब इसे कट करके निकाल लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है कुछ ये आयरन वायर्स, यानी लोहे की तारें। ये आपके पास के किसी भी हार्डवेयर शॉप में आसानी से मिल जाएगा। तो मास्किंग टेप की मदद से वायर्स को हमने लेग पर चिपका दिया है, और अब हम इसे रेंडियर के साथ इस तरह से जोड़ देते हैं मास्किंग टेप की मदद से। तो कुछ इस तरीके से हमने ये जोड़ दिया है न्यूज़पेपर की मदद से। हम पैरों को थिक करेंगे और कुछ इस तरीके से हम मास्किंग टेप की मदद से फिर से कुछ तरह से चिपकाते हुए हम अपने रेंडियर के पैर को अच्छे से शेप देंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखें इस तरह से मैं इसे चिपका रहा हूँ, थाई और बाकी जगहों को शेप दे रहा हूँ। तो इसी तरह हमने चारों पैरों पे कर लेना है। यहाँ मैं आपको फिर से सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो वीडियो सेटिंग्स में जा करके आप इसे स्लो करके देख सकते हैं। और अंदर की तरफ भी हम इसी तरह न्यूज़पेपर की मदद से इसे थिक करेंगे। ये हमारे रेंडियर जो है लेग्स के साथ में हो चुका है तैयार। और इसी तरह हम दूसरे जो सिटिंग रेंडियर है उस पर काम कर लेते हैं, उसमें भी न्यूज़पेपर को रोल करके चिपकाते जाना है। ये प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो स्लो करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा पीस भी हो चुका है तैयार। अब बारी है इसके पैर बनाने की। ये क्या, ये तो मैंने पहले से बनाए हुए हैं, डोंट वरी। अभी दूसरी साइड बनाना बाकी है, और क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि इसका पैर किस तरह से बनाया जाएगा, तो इस वजह से मैंने ये दो पैर पहले बना लिए हैं, और आपको मैं ये दो पैर बना के दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से एक आउटलाइन बनाया है मैंने पैर का, और इसे काट कर निकाल लेंगे। और फिर से हम इसके पैरों पर वायर लगाएंगे।
ताकि इसको मजबूती मिले और शेप देने में भी हमारी हेल्प करे। तो कुछ इस तरह से हमने दोनों को पेस्ट कर लिया है और फिर से न्यूज़ पेपर की मदद से, इस बार हम पहले ही न्यूज़ पेपर की मदद से पैरों को शेप दे देंगे और बाद में फिर हम वहाँ पर पैर को उसकी जगह पर लगा देंगे। यहाँ पे फिर से हम मास्किंग टेप किया है अच्छे से। यहाँ पे हमारा जो मेन काम है सारे क्राफ्ट में, मेन मास्किंग टेप का ही है, तो काफ़ी सारा मास्किंग टेप लगने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आप देख करके अच्छे से देखें, क्योंकि ये सब की पॉइंट्स हैं हमारे क्राफ्ट के, तो ही हमारा क्राफ्ट अच्छा बनेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। तो ये हमारा आगे का पैर है, तो हम इसे आगे की तरफ पेस्ट कर देंगे और पीछे वाला पीछे के साइड। यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने जो है पैर को थोड़ा सा उल्टा बना दिया है, तो इसको सीधा कर लेता हूँ फटाफट और इसे भी हम चिपका देते हैं और मास्किंग टेप की मदद से अच्छे से फिक्स कर देते हैं। तो हमारे रेंडियर का एक बेसिक शेप हो चुका है तैयार और अब बारी है इनके सिंग बनाने की। तो इसके लिए मैंने बड़े छोटे साइज के कुछ बायल्स लिए हैं और इसके ऊपर हम मास्किंग टेप को कुछ इस तरह से लपेट देंगे। तो हमारे जो बाकी पीसेज भी हैं उन पे भी हम इस तरह मास्किंग टेप लपेट देते हैं। तो हमने सारे पीसेज पे मास्किंग टेप इस तरह से लपेट दिया है और अब बारी है एक एक करके हमें सींगों को ऊपर और नीचे इस तरह से आप देख सकते हैं चिपकाने की। तो हम मास्किंग टेप की मदद से इसको हम चिपका देते हैं। इस तरह से हमने चिपका दिया है और अब इसे हम थोड़ा सा शेप देंगे सींगों को ऊपर दाएं बाएं जैसे होता है उस तरह से हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं अपनी तरफ से और कुछ इस तरीके से। हमारे जो रेंडियर का सिंग है वो हो चुका है रेडी कुछ इस तरह के। तो इसी तरह मैंने पहले से बनाए हुए हैं दूसरे सिंग है। तो ये रहा इसके साथ का और बाकी ये हमारे दूसरे रेंडियर के लिए। एयर ड्राई क्ले का हमें थोड़ा ही यूज करना है, इसकी मदद से हम इसके आँख बनाएंगे और थोड़ा सा फिनिशिंग देने वाला काम करेंगे, जिसको आपस में मिला लेते हैं कुछ इस तरह से। और अब इसकी मदद से हम इसकी आँखें बनाएंगे। तो साथ में हमें पानी रख लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं आँखों को इस तरह से बना रहा हूँ। अगर आपके पास क्ले टूल है तो इससे थोड़ी सी आपकी मदद होगी या फिर आप जुगाड़ कर सकते हैं। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी डिटेल दूँ, फिर भी अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप सीधा मुझे इंस्टाग्राम पर भी आकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो हमारे रेंडियर की आँख हो चुकी है रेडी और अब बारी है गले पे काम करने की। रेंडियर का जो जबड़े का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है आमतौर पे। यहाँ पे क्ले टूल की मदद से हम यहाँ पे थोड़ा सा सर पे होल कर रहे हैं ताकि हम इसके सींग को यहाँ पे अच्छे से फिट कर सकें। यहाँ पे फेविक्विक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए ये रेंडियर के सींग को इस तरीके से लगा देंगे और हम दूसरे रेंडियर पे भी इसी ग्लू की मदद से चिपका देते हैं। अब बारी है हमारे रेंडियरों के कान बनाने की। तो यहाँ पे मैं मास्किंग टेप की मैंने थ्री फोल्ड की है। यहाँ पे मैंने इसको सिंपल सा लीफ कटिंग का शेप दिया है और इसे भी हम ग्लू की मदद से चिपका देते हैं। और अब हम इसके पूंछ को भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्ले की मदद से अपने क्राफ्ट को थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे ताकि एक अच्छा लुक आए और थोड़े बहुत जो गड्ढे वगैरह हैं ये भी हील हो जाएंगे, एक बेहतरीन लुक आएगा। तो हमारा क्ले का भी काम हो चुका है पूरा और अब इसे सूखने के लिए रख देते हैं। तो ये सूख चुका है तो अब बारी है कलर करने की। तो आप इसे जैसा भी चाहें कलर दे सकते हैं, गोल्डन या कोई भी आपका फेवरेट कलर, लेकिन मैं यहाँ पे जो प्रॉपर रेंडियर का कलर होता है उसे देने की कोशिश करूँगा।
आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।